हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द टैग। सोते जागते बस दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है आजकल, वायरस वायरस वायरस। कौन सा वायरस? आप सबको पता है मैं किस वायरस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूँ कि कोई भी वायरस दुनिया में ऐसा नहीं बना जो कि किसी इंसान को मारने का काम सबसे पहले करता हो। लास्ट मेरा वीडियो कुछ थे डॉक्टर विश्वरूप के बारे में, मैंने कुछ बातें कहीं, लेकिन व्यूवर्स होते हैं कि इतने ज़्यादा सेंटीमेंटल होते हैं, दिल पे बात ले लेते हैं, तो उनके लिए ये मेरा आज का वीडियो खास होगा। तो अगर दोस्तों मैं आज आपको एक क्वेश्चन पूछता 2 महीने आज से पहले कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो शायद बहुतों का यही आंसर होता HIV। लेकिन आज वो डर कहाँ गया? क्योंकि आपको उससे डराया नहीं जा रहा, आपको डराया ही किसी और वायरस से जा रहा है, दैट इज़ कोरोना वायरस, जो कि उससे कहीं खतरे कम वाला वायरस है। अगर एक क्वेश्चन और आपसे मैं ये पूछूं कि आपको प्लेग या कोरोना वायरस दोनों में से कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर फिर से वही होगा, कोरोना वायरस। ऐसा क्यों? प्लेग एक ऐसा डिजीज था जो कि वर्ल्ड वाइड आज तक अगर हम देखें तो ओवरऑल 5 पैंडेमिक्स हुए और उन पैंडेमिक्स में करोड़ों लोगों की डेथ्स हुई। बहुत से लोग कहेंगे कि जो प्लेग है वो तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बिल्कुल बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन जब इसका इलाज नहीं पता था तब इस डिजीज़ का जो किलिंग पावर थी, जो परसेंटेज थी, वो थी 1.1 out of 2 पेशेंट्स। मतलब ये 2 में से 1, लगभग 1 पेशेंट को मारता ही था। मतलब इसकी जो पावर ऑफ किलिंग थी वो 50% से ज़्यादा थी। लेकिन कोरोना वायरस की कितनी है? वो 1 to 4% शो हो रही है। लेकिन अब रीसेंट डेटा, न्यूयॉर्क की स्टडी बता रही है कि जो इसकी जो किलिंग परसेंटेज है कोरोना वायरस की, वो 0.5 to 1% है। धीरे धीरे वो डॉक्टर विश्वरूप के पास आती जा रही है जैसे जैसे हमारे पास डेटा बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं प्लेग की बात करूँ तो उसका अब हमारे पास एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हैं, उसका इलाज बहुत पॉसिबल है। अब प्लेग के पेशेंट हमारे पास बिल्कुल नहीं होते, या होते हैं तो एनुअली कुछ डबल डिजिट्स में ही। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन ये भी बननी चाहिए। अब ये बनेगी या नहीं बनेगी, अगर बन भी गई तो ये कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी देर काम करेगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ये मैं लेकिन आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने जाते जाते बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ RT-PCR। जी हाँ दोस्तों, PCR के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन RT-PCR शायद कुछ लोगों के लिए एक नई टर्म हो। तो दिस इज, यहाँ पे जिसका RT-PCR का मतलब है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो PCR था ये एक्चुअली डेवलप हुआ था यूकेरियोट्स के DNA को एम्पलीफाई करने के लिए। ये वायरल DNA या वायरल RNA, बेसिकली वायरल RNA को एम्पलीफाई करने के लिए कि नहीं बना था, वो PCR था। लेकिन ये अब RT-PCR इसके साथ जुड़ गया है, जिसमें हम वायरस के RNA को भी एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली RT-PCR को ही सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है किसी भी वायरल जीनोम को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसकी मैं खामियां आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है ये सबसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, इसमें प्राइमर्स यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन अगर PCR टेस्ट में किसी तरह की कंटेमिनेशन होती है तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे वायरस को इसमें डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा म्यूटेशन रेट जिसका हाई है, तो वहाँ पे भी कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, वो वायरस आप उस PCR टेस्ट के साथ, उन्हीं प्राइमर्स के साथ नहीं डिटेक्ट कर सकते। अगर आपको डिटेक्शन करनी भी है तो वहाँ पे बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होने की वजह से, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस और स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट रखती है। अगर वहाँ पे भी कोई गलती होती है तो ये रिजल्ट्स जो हैं आपको गलत मिलने वाले हैं, RT-PCR का भी वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब मैं बात करूँ अगर चाइना के एक रिसर्च पेपर के बारे में जो कि नेचर माइक्रोबायोलॉजी में छपा था, वहाँ का ये पेपर ये शो कर रहा है, जो उन्होंने 103 जीनोम सीक्वेंसेस एनालाइज करे हैं उनमें उनको 2 तरह की स्ट्रेन्स मिल रही हैं। उन स्ट्रेन्स का उन्होंने नाम दिया है L स्ट्रेन एंड S स्ट्रेन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया में या और बाकी कंट्रीज में इन स्ट्रेन्स का बिल्कुल नाम नहीं लिया जाता। हम अपने न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं या जहां भी सोशल मीडिया कहीं भी देखें तो सिर्फ नाम लिया जाता है कोरोना वायरस।
एल स्ट्रेन एस स्ट्रेन की बात कोई भी नहीं करता। तो ये हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन है जो कि ICMR है, उसको भी चाहिए कि इसके बारे में अवेयर करें, एल स्ट्रेन एस स्ट्रेन के बारे में बताएं। अगर दो स्ट्रेन्स आ रही हैं तो इसका मतलब इनके लिए प्राइमर्स भी अलग अलग चाहिए, इसकी डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट अलग अलग होंगे। तो मैं आपको इस रिसर्च पेपर का हवाला भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से ये पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। इस पेपर में बताया गया है कि दो स्ट्रेन्स हैं एल और एस। L जो है 70% है, जो S है 30% है। L जो है वो हाईली म्यूटाजेनिक है, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे वो म्यूटेशन करता है। जो S स्ट्रेन है वो कम म्यूटेशन शो करता है। रिसर्च में थोड़ा बहुत ये पता चला है कि S स्ट्रेन से ही L स्ट्रेन म्यूटेट होके बना है, लेकिन अभी डेटा बहुत कम है, क्वांटिटी कम होने की वजह से हम ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि L स्ट्रेन ही S स्ट्रेन से बना होगा। ये विद इन टाइम, आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने शेंजेन चाइना की ही एक जगह है, वहाँ से एक पेशेंट का सैंपल लिया जिसमें उन्होंने पाया कि टोटल वहाँ उस सैंपल में 26 म्यूटेशंस हैं जो अलग तरीके की हैं, लेकिन ये स्ट्रेन ना एल से मैच कर रही है ना एस से मैच कर रही है। है ये कोरोना वायरस, इसका मतलब यहाँ से क्लू मिल रहा है कि कोरोना वायरस थोड़ी हाई रेट पे म्यूटेशन शो कर रहा है। और दूसरा पेशेंट जब साउथ कोरिया से लिया गया तो साउथ कोरिया के पेशेंट में कुछ अलग तरह की 6 म्यूटेशंस और पाई गई जो कि पहली म्यूटेशन से नहीं मिलती थी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही है कि कोरोना वायरस थोड़ा हाई रेट पे म्यूटेशन शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे खुश होने वाली बात भी नहीं है और ज़्यादा डरने वाली बात भी नहीं है। मैं दोनों कंडीशंस यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि अगर ये वायरस बहुत कम म्यूटेशन रेट पे म्यूटेट कर रहा है तो इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, अगर ये बहुत हाई रेट पे म्यूटेशन शो कर रहा है तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। पहले मैं शुरुआत करूँगा कि अगर ये वायरस बहुत कम रेट पे म्यूटेट कर रहा है। नंबर वन मैं शुरू करूं कि अगर ये बहुत स्लो रेट पे म्यूटेट कर रहा है तो डरने वाली बात ये है कि ये वायरस काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि नेचुरली ही वो ऑर्गेनिज्म हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है जो जल्दी से म्यूटेट नहीं होता। इसका मतलब है हम किसी एंटीवायरल ड्रग से या किसी भी तरीके किसी ड्रग से उसके जीनोम सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, मतलब है इट इज़ मेंटेनिंग इट्स आइडेंटिटी। तो ये चेंज नहीं होगा अगर ये म्यूटेट नहीं करता जल्दी, तो ये डरने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे फायदा ये हो जाएगा कि हम वैक्सीन बनाना यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए और वैक्सीन जल्दी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये म्यूटेट कम कर रहा है तो वैक्सीन टू द पॉइंट हमें एग्जैक्ट मिलेगी जो काफी लंबे टाइम के लिए चलेगी भी। और अगर मैं बात करूं कि ये वायरस काफी तेजी से म्यूटेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हमारे पैरामीटर्स होंगे, तो मैं अगर आपको बता दूं कि इसका जो म्यूटेशन रेट है वो कितना है, ये है 0.82×10³ पर न्यूक्लियोटाइड पर इन्फेक्शन साइकिल। इसको ऐसे लिखा जाता है, इन्फेक्शन साइकिल को आप पर ईयर भी समझ सकते हो, ये कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू से पता चलता है कि ये वायरस थोड़ा तेजी से म्यूटेट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं लेकिन तेजी से म्यूटेट करता है। ये वैल्यू काफ़ी हाई सिग्निफिकेंट है कि ये तेजी से म्यूटेट कर रहा है। तो मैं अगर बता दूं कि ये वायरस तेजी से म्यूटेट कर रहा है तो यहाँ पे हमें डरने वाली, हमें जो परेशान करने वाली बात है वो क्या होगी, वो ये होगी कि वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बार बार म्यूटेट कर रहा है तो हमारी जो एक महीना पहले दो महीने पहले बनाई हुई वैक्सीन है वो शायद कुछ टाइम के लिए काम करे लेकिन उसके बाद वो काम करना बिल्कुल बंद कर दे। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है प्लाज्मा थेरेपी का, वो काम नहीं आने वाली, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये है कि जो पेशेंट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है या हो रहा है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हैं, वो एंटीबॉडीज़ हम निकाल के किसी और पेशेंट में डालेंगे तो वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एल और एस स्ट्रेन दोनों की बात कर रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा इनका नाम। अगर दो स्ट्रेन ये हैं, बाकी भी म्यूटेट होकर अलग अलग स्ट्रेन विद इन टाइम आने वाले टाइम में अगर वो बनाएंगे तो प्लाज्मा थेरेपी क्या काम करेगी। अगर आप एक पेशेंट में से एल स्ट्रेन के एंटीबॉडीज निकाल के एस वाले में डाल रहे हो तो वो काम वहाँ नहीं करने वाले, एस के एंटीबॉडीज एल में डालने वाले हो तो काम नहीं करने वाले,
कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी पाया गया है कि एल और एस्ट्रेन वो दोनों से इन्फेक्टेड होते हैं, वहाँ पे आप क्या करोगे? एस्ट्रेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एस्ट्रेन माइल्ड सिम्टम्स लेके आती है, एक एंसेस्ट्रल ये स्पीशीज है, स्ट्रेन है, तो ये माइल्ड सिम्टम्स लेके आती है। एल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स लेके आती है, हाई निमोनिया सिम्टम्स लेके आती है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे डॉक्टर्स कि हम एल स्ट्रेन वाले को कैसी ट्रीटमेंट देंगे और एस्ट्रेन वाले को कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता चल रहा। प्लाज्मा थेरेपी की कंडीशन में मैं बात कर दूं तो यहाँ पे सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है दैट इज हेटरोप्लाज्मी। मेरे वो कई पढ़े लिखे, हमारे चैनल पे बहुत सारे पढ़े लिखे व्यूवर्स आते हैं, वो उनकी थोड़ी समझ के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट हो रही है दैट इज हेटरोप्लाज्मी। हेटरोप्लाज्मी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक ही पर्सन में एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज बॉडी में बन रहे हैं। तो अब हेटरोप्लाज्मी की सिचुएशन में आप कैसे प्लाज्मा थेरेपी करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सब भेड़ बकरियों की तरह एक जगह डाले जा रहे हैं। आगरा का वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है प्रशासन उनके साथ, उनके उनको खाने के लिए, पीने के लिए और मेडिसिन का क्या हाल है, वो आप वीडियो देख के यूट्यूब पर सर्च करें, आपको सब दिख जाएगा वहाँ पर। तो अब यहाँ पे बिल्कुल भी कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं आ रहा कि आपने पेशेंट्स को डील कैसे करना है, कैसे ट्रीट करना है। ये बहुत ही भयानक सिचुएशन इन द टाइम आने वाले में बनने वाली है। ये अब खुश होने वाली यहाँ पे ये बात है कि अगर ये वायरस तेजी से म्यूटेट कर रहा है तो ये वायरस जल्दी से जल्दी अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी जानवर अपने घर को नहीं तोड़ता जिसमें वो रहता है। एक वायरस के लिए हमारा शरीर, हमारी बॉडी उसका घर है जहाँ उसने रहना है, अपने आप को रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, निकल जाना है और फिर किसी दूसरे को इन्फेक्ट करना है। कुदरत में बहुत बार ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जहां ऐसी म्यूटेशंस हो जाती हैं जो लीथल होती हैं, जो कि अपने होस्ट को मार देती हैं। लेकिन अगर ये वायरस तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है तो अब ये कुछ आने वाले महीनों में जल्दी से म्यूटेट करके यहां से निकल जाने वाला है, वहां पे कोई भी वैक्सीन काम नहीं करने वाली। तो आई होप कि ये वायरस तेज़ी से म्यूटेट करता हो। यही कारण है कि कोरोना वायरस, जो सारस कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ 2002-03 वाला, वो दोबारा क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका म्यूटेशन रेट इससे काफ़ी ज़्यादा हाई था। वो म्यूटेट होकर किसी और वायरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसका जीनोम चेंज हो गया है। यही कारण होता है कि बहुत सारे वायरसेस टाइम टू टाइम दुनिया में आते हैं, पेंडेमिक्स फैलाते हैं, लेकिन दोबारा कहाँ गायब हो जाते हैं, नहीं दिखते। डॉक्टर विश्वरूप जी का कहना है कि वो वायरस हमारे आसपास ही रहते हैं, ज़रूर रहते हैं, वो हमारे अब भी हो सकता है सारस कोरोना वायरस मेरे आसपास ही हो, लेकिन वो एक म्यूटेटेड फॉर्म में होगा जो मुझे ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता। तो यही कारण है कि अगर वायरस तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है तो वो जल्दी से यहाँ से निकलने वाला है। तो इस कंडीशन में बनी हुई वैक्सीन कैसे काम करेंगी? वो काम करेंगी या तो अगर उनके मिलती हुई स्ट्रेन एंटीबॉडीज़ उनके साथ मिल जाएंगी, एंटीजन एंटीबॉडीज, तो वहाँ पे वो काम करेगी, नहीं तो ये प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा, वो उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा होता है कि आपको बुखार है, मैंने आपको एक मीठी गोली दे दी और आपको बोला कि आपको मैंने बुखार की दवा दे दी है, कुछ धीरे धीरे आपको रिलैक्स फील होने लगा, यार सर दर्द कम हो रहा है, बॉडी एक्स कम हो रही हैं, इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो सिमिलरली वैक्सीन करेगी प्लेसिबो इफेक्ट। सबको लगा होगा मैंने वैक्सीन ले लिया मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने ब्रेन पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इस वायरस की डर से। तो जब आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग रखोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, उस कंडीशन में इस वैक्सीन का असर डबल हो जाएगा। असल में वो असर वैक्सीन का नहीं होगा, वो आपकी इम्यूनिटी का ही होगा। तो एक कंडीशन यहाँ पे और क्रिएट हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको आपने सुना होगा, मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं इसको भी डिटेल में समझाना शुरू कर दूं। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में ग्रॉसरी स्टोर्स के मालिकों पे, ओनर्स पे, उन्होंने 3000 लोगों पे टेस्ट किया एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना वायरस का, जिसमें 21% लोग पॉजिटिव पाए गए, मतलब 5 में से 1% पॉजिटिव पाया गया। तो वहाँ के जो इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं, कार्ल बर्गस्ट्रॉम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में हैं, उनका कहना है कि हम अपने लोगों में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 5 में से 1 इन्फेक्टेड है। लेकिन
35 करोड़ की आबादी होने के बावजूद अमेरिका ऐसा स्टेप नहीं ले सकता कि वो हर्ड इम्यूनिटी अपने पेशेंट्स को, अपने लॉकडाउन को खोल के कर दें, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे और बहुत सारी वहाँ पे डेथ्स भी होंगी। ये प्रोटोकॉल इंडिया में बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि 135-140 करोड़ की आबादी में हम हर्ड इम्यूनिटी का सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे। तो आई होप, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि या तो इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी बने और वो इफेक्टेड वैक्सीन बने जो कि लंबे समय तक काम कर सके, या दूसरा हल ये है कि वायरस इतनी तेज़ी से म्यूटेट करे कि वो अपने इस एग्रेसिव रूप से बाहर निकल के एक नॉर्मल स्टेबल स्टेट में आ जाए, जैसे कि नॉर्मली हर वायरस करता है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें खोल के, दिमाग के बंद दरवाजे खिड़कियां खोली होंगे कि एक्चुअली ये वायरस काम कैसे कर रहा है और इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मेरी रिक्वेस्ट, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और मिलते हैं किसी मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।